मेरा नाम मंजू सोनी है, धर्म पत्नी पवन सोनी है, श्री गंगानगर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हैं आप? ये श्री शिवाय नमस्कार। मेरे बाबा ने मुझे इतना दे दिया गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरे बच्चों का रिश्ता अच्छी जगह हो गया। जो जो मैंने बाबा से मांगा वो मेरे बाबा ने सब कुछ दिया। एक बात कहना चाहता हूं, मेरे यहाँ पर एक राधा नाम की लड़की कार्य करती है, उसका 8 साल का बेटा है जो बोल नहीं सकता। लोग उसको गूंगा कहते हैं, उसकी वाणी नहीं थी। 8 साल का बच्चा है गुरुदेव, मैं गंगानगर से आई हूं। 8 साल का बेटा हो गया, वो हमेशा मेरे पास आकर एक ही बात कहती है, मेरा बेटा बोलता नहीं है, मेरा बेटा बोलता नहीं है। अब करें, आज तक आपकी कथा नहीं सुनी थी, पर जिस दिन आपकी कथा सुनी मैंने उससे एक ही शब्द कहा, तू तेरे बेटे को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाया कर और बेलपत्र खिलाया। वो कहती है मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, जगह जगह जाती हूँ, गंदी रहती हूँ शरीर से, कैसे मैं शंकर के मंदिर चले जाऊं। भाभी आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मुझे दे दोगी क्या? मैं अपने बच्चे को डब्बे में ले जाकर पिला दिया करूंगी। मैं उसको शिव जी के मंदिर से लाकर जल देने लगी। उसको विश्वास नहीं था, क्या शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या किसी की वाणी आ सकती है, क्या उसकी आवाज आ सकती है? जिसकी उम्र 8 साल की हो गई वो बोल सकेगा? जल ले जाकर मैंने उसको देना चालू करा। आज मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने के लिए और नमन करने के लिए आई हूँ। वो 8 साल का बेटा जो कभी बोल नहीं पाता था, उसकी वाणी बाबा ने प्रदान कर दी। मैं बाबा को नमन कर एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। आ बाबा से प्रार्थना करती हूँ हमारे गंगानगर राजस्थान में भी जल्दी से शिव पुराण हो, गोपाल जी छोड़ दे तो हो। हम कौन मना रहे, शिव तत्व है। ओ तेरे दरबार की बाबा मेरा निशान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, मन झोली भरी देखी है। मुख तो सफेद मोतियाबिंद वाली।